तक उनको कुछ समझा नहीं जी, उनको कुछ माना नहीं जी, यहाँ तक कि बाबा साहेब के शब्दों में तो आदमी को आदमी नहीं माना जी। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने 4200 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करके पुरी से लेकर के पोरबंदर तक का आदमी जब छोड़ दिया, तो आज वही बहुजन समाज जी। जब मजबूत होता नजर आया है, वो अपने अधिकारों के बाबत जागृत हो गया है जी। और बहुजन समाज पार्टी उनका एक राजनीतिक दल है जी, जी। और जब बसपा इतनी मजबूत हो गई है जी। तो प्राकृतिक व्यवस्था का एक नियम है कि बात हमेशा मजबूत की मानी जाती है जी। मजबूर की नहीं जी। इसलिए आज जब बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज जब थोड़ा थोड़ा मजबूत हुआ है जी। तो आज पूरा का पूरा देश उसके चेहरे की तरफ देख रहा है जी। और जहाँ तक ये मतलब आंखों में क्यों खटक रहा है, इसको तो मान्यवर कांशीराम साहब अपने जीते जी कह गए कि जैसे जैसे बहुजन समाज केंद्र की सत्ता तक की यात्रा पर चलेगा और इकट्ठ में आकर के मजबूती के साथ संसद तक का सफर पूरा करने को आमादा होगा, तो पूरे देश का ब्रह्मनिज्म, पूरे देश का मनवाद इकट्ठ में आकर के विरोध करेगा। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के नेतृत्व माननीय बहन जी भी उनकी आंखों में किरकिरी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।